हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। मजा आया तुम लोगों का भाई, जो है वो तैयार शार हो चुके हैं एज यूजुअल। प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। मैं कुछ अपनी ज्यादा ही तारीफ कर देता हूँ तो तुम लोग कर दिया करो, इसको इग्नोर। खैर अभी यूनिवर्सिटी में जा रहा था तो लेकिन मैंने सोचा पहले गाड़ी धुलवा ले। गाड़ी जो है इंतहाई किस्म की जो है वो गंदी हुई है। ये देखे मट्टी देख रहे हैं आप। खैर चलो सबसे पहले जो है वो गाड़ी दिलवाते हैं, गाड़ी के बाद चलेंगे यूनिवर्सिटी और आज लेते हैं लोगों से रिव्यू कि भाईजान यूनिवर्सिटी आके तुम्हारे पैसे पूरे हो गए हैं। बिल्डिंग ही देखते रहते हो या पढ़ते भी हो, आज प्रॉपर रिव्यू लेते हैं तुम लोगों को बताते हैं। अच्छा यार मैं बैठा हूँ उस टाइम धूप में और मजा आ गया यार धूप सेकने का। गर्मी भी लग रही है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है ना वो फिर से पता नहीं क्यों उतना जो है ना वो गर्म हो गया। खैर मेरी गाड़ी आप देख सकते हैं के धुल चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है। गाड़ी तुम लोग देख सकते हो, बाबा जी आए हाय हाय लश्कारे मारती हुई भूं 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 भूं। ये भी मजे ले रहा अंदर बैठा हुआ। इधर लेके जा रहा है भाई, पॉलिश पुलिश का भी है ना जो खान भी रोक जी, मतलब पॉलिश भी मार दो, लश कर दो गाड़ी लश। यार गाइस यकीन करो इस चीज़ का कि पठान कौम यार बड़ी मेहनती है कसम से। 500 रुपये के अंदर उन्होंने गाड़ी भी वॉश की है और दरमियान में इंटीरियर पे जो है उन्होंने पॉलिश लगाई और बाहर भी जो है वो पॉलिश करके दी है सिर्फ 500 रुपये में। और ये जो हमारे पंजाबी होते हैं इनके इतने बड़े बूथे खुल जाते हैं भाई जान, 2000 दे दो 1500 रुपया दे दो तो भाई पठान कौम जो है ना वाकई उनको सलूट है। मेरी ऐसी मामा भी पठान है तो आज तारीफ कर दी मामा जी आपकी। जी गाइस तो मैं पहुँच गया, अब हम पहनेंगे अपने शूज़। कौन भाई किधर रख दिए। अच्छा यार गाइस मैं अब जो है बैठ गया हूँ, आ गया हूँ बी बिल्डिंग आ गया हूँ और अभी आप देखो धूप शूप जो है बड़ी फिट किस्म की निकली हुई है। मेरे साथ एक भाई बैठे हुए हैं, भाई जान क्या हाल चाल है, ठीक हो। मैं भी ठीक ठाक। क्या कर रहे हो यार ये यूसीबी से आप। यार हम इधर सीएस कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा अच्छा सीएस कर रहे हो, ये बिल्डिंग से है ए बिल्डिंग, सबसे पहले ये बिल्डिंग बनी थी। खैर कैसा आपका एक्सपीरियंस है यार, ये रिव्यू बताओ कि आपने ये यूसीबी क्यों चूज़ किया और सीएस क्यों चूज़ किया। यार अच्छी यूनिवर्सिटी है, सीएस का जो है फ्यूचर में वो स्कोप काफ़ी है। अच्छा अच्छा इसके अलावा हमने यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की है क्योंकि इसका सीएस का डिपार्टमेंट जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और अच्छा दूसरा ये कि हम पीछे अपने आवगल से पढ़ के आए थे। अच्छा आपको स्कॉलरशिप भी मिली हुई है। स्कॉलरशिप भी मिली हुई है। अच्छा अच्छा तो इस बिल्डिंग ने आपके पैसे पूरे कर दिए ए ने बी ने हैं। यहाँ पे तो ज्यादातर आपको पता है वाम जो है वो टिकटॉक बनाने आती है, आपको इस चीजों का तो नहीं शौक है। नहीं नहीं इसका भी नहीं, हम सोशल मीडिया से भी डायरेक्ट होके इधर आए थे। अच्छा 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 तो हम तो पैसे पूरे होते नजर आ रहे हैं। अच्छा आप फर्स्ट सेमेस्टर है, थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है स्टडी। अच्छा, में जो प्रोग्रामिंग है। हाँ आपके 5-10 दिन के अंदर पेपर है, अगर आपने 3.25 CGPA नहीं ना लिया तो उन्होंने आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी। मतलब कि आपका इन शॉर्ट मुझे ये बताओ रिव्यू जो है यूसीबी का वो अच्छा है, पढ़ाई के लिए ऐसे अच्छी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है यार। रिकमेंड करोगे दोस्तों को, अगले अपने ऑडियंस को मेरे करोगे रिकमेंड के यार आओ यूसीबी। हम यही कहते हैं कि आप इधर आए विजिट करें। हाँ जी चला आपको मजा आएगा, सीएसई का डिपार्टमेंट जो है इनका काफी अच्छा है। अच्छा इसलिए आज से जाओ आप जरूर आए। चलो यार थैंक यू सो मच भाई की आपने रिव्यू सुन ली है। वो कह रहे हैं कि हमें टिकटॉक का भी हर चीज का शौक है लेकिन स्टडी को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। यार गाइस अभी मैं बैठा हुआ हूँ फाउंटेन पे, एक और प्यारे भाई मुझे मिले हैं। ठीक है क्या हाल है भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक हो। मैं भी ठीक ठाक। अच्छा यार मुझे आप एक चीज़ बताओ, अभी मैंने पहले भी एक भाई से रिव्यू लिया है, वो ये लिया है कि भाई जान यूसीबी जो वो कहता बड़ी फिट है आना चाहिए, वो सीएस कर रहा था। आप क्या कर रहे हो और क्या आपका है माइंड बाबा जी बताओ। बट जी मैं बीबीए कर रहा हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। अच्छा और अब आखिरी दिन चल रहे हैं तो एक्सपीरियंस यही है कि यूसीबी अच्छी यूनिवर्सिटी है हर लिहाज से, कि यहाँ पे एजुकेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है। एंटरटेनमेंट भी है, अगर जो बंदा खाली एंटरटेनमेंट करेगा वो भी नहीं सर्वाइव कर सकता। हाँ दोनों चीज़ें साथ साथ चल। यार अच्छा चलो ये आपकी बात ठीक है। मेरे जो दोस्त हैं ना तू भी ऑनर्स ग्रेजुएट हो गए हैं, सारे ग्रेजुएट हो गए हैं। यकीन करो उनको 18,000 की भी जॉब नहीं मिल रही, तो 18 लाख जॉब मार्केट में है ही नहीं, मार्केट में नहीं है। अब उसका कसूर यूनिवर्सिटी में नहीं है, स्कोप जो होता है ना डिग्री का नहीं होता, स्कोप और अपना स्किल का होता है, जिस बंदे का स्कोप होता है। अच्छा एक बंदे में अब जॉब्स मार्केट में ऑलरेडी नहीं है तो उस वजह से वो यूनिवर्सिटीज को कसूरवार ठहरा रहे हैं, हालांकि जॉब मार्केट में नहीं है। जॉब मार्केट और जिसको काम आता है ना डिग्री सीजीपीए डजंट मैटर, इसलिए कहते हैं कि वो जब आपके पास स्किल है तो आपको काम आता है तो हर बंदा रखेगा आपको, जब आपको सीजीपीए खाली काम आता नहीं है तो फिर कोई भी नहीं आपको वो देता। मतलब जॉब मिल रही है जिनको थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती मिल जाती है।
मतलब कि आप इन शॉर्ट ये कह रहे हो कि यूसीपी आना चाहिए, आना चाहिए। और जो बंदे इधर पुंडी करने आते हैं उनको आप क्या कहोगे? उनको मैं कहूँगा उनको फाइल कुब्बा करके फाइल पाने जाएंगे नहीं। अच्छा मैं आ चुका हूँ उस टाइम टेक्सास चिकन पे और यूनिवर्सिटी से हो गया फ्री, सिर्फ दो ही बंदों से रिव्यू ले सका हूँ क्योंकि इसकी वजह ये है कि क्लासेस होती हैं, क्लासेस लूँ के ब्लॉग बनाऊँ, मुझे तो समझ नहीं आती इस चीज़ की। तो भूख लग रही थी, मैंने सोचा कुछ पहले ना खा पी लें, तो उसके बाद अब शायद ही मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, यहाँ से अब जाऊँगा घर ही। अभी ऑर्डर दे दिया, अब देखो कितनी देर में आता है। ऑर्डर जो है वो गाइस हमारा आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मंगवाया है। ये है यार इनका मैक्सिकनो बर्गर, स्पाइसी है, ये भी स्पाइसी है, ये टेंडर्स हैं ये भी स्पाइसी है, और इनके कोक शोक, अब इसको खाते पीते हैं और पेट में डालते हैं अपने। यार गाइस आज जो है ना मैं बिल्कुल थक गया हूँ, तुम लोग देख सकते हो पढ़ पढ़ के जो मेरी शक्ल है ना वो क्या हो गई है। तो अब मैं फ़ौरन निकल रहा हूँ घर, टाइम भी आज काफ़ी हो गया है, और आज तुम्हारे भाई ने बैठ के असाइनमेंट भी बनाई है भाई, असाइनमेंट। और उसके अलावा जो अब मैं जा रहा हूँ घर, और तो यार तुम लोग रखा करो अपना ख्याल, जिन लोगों ने अभी तक चांद भट्ट व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर दो कर दो कर दो, बार बार मैं कहता हूँ तुम लोगों को लेकिन समझ नहीं आती, मैं अब क्या करूँ। खैर ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।